तो कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का आज देश भर में 58वां दिन है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी है। सरकार के साथ आज 11वें दौर की बातचीत भी जारी है और कानूनों को टालने का प्रस्ताव किसानों ने ठुकरा दिया है, जिस पर फिलहाल अब आगे क्या स्थिति बनती है ये देखने वाली बात रहेगी। तो दिल्ली के बॉर्डर पर किसान संगठनों का प्रदर्शन और 58वां दिन आज, देखिए सरकार के साथ आज 11वें दौर की बातचीत जारी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार के साथ में जो किसान संगठन है उनके प्रतिनिधि पहुंचे हैं और मांग सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि तीनों जो कानून है, तीनों जो बिल है वो वापस लिए जाए, किसी भी तरीके के संशोधन या फिर स्थगन को लेकर के फिलहाल किसान संगठन नहीं मान रहे हैं। चूंकि एक बातचीत जब पहले हुई 10वें दौर की, तब सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया गया कि 1 से 1.5 साल के लिए जो कानून है तीनों ही कानूनों को स्थगित किया जा सकता है, साथ ही एक कमेटी हम बनाते हैं, आप आइए, आप साथ बैठिए और चर्चा कमेटी के साथ कीजिए, समझिए कानूनों का जो मर्म है उसको। लेकिन किसान संगठनों ने उस वक्त जवाब नहीं दिया और फिलहाल जब चर्चा के बाद जवाब भी दिया तो उस पर भी इनकार किसान संगठनों ने कर दिया। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी प्रीत इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। प्रीत, देखिए 11वें दौर की बातचीत विज्ञान भवन में जारी है, फिलहाल 10वें दौर की जो बातचीत हुई थी किसानों के समर्थन में और किसानों के समक्ष सरकार ने कुछ झुकने की कोशिश की, लेकिन वो भी जो प्रस्ताव है किसानों ने ठुकरा दिया। अब क्या नया प्रस्ताव और मसौदा पेश कर सकती है प्रीत सरकार आज की बैठक में? बिल्कुल, जिस तरीके से 2 साल तक कानून को स्टे की बात सरकार की तरफ कहा जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्यों ना इस कानून को उस समय के लिए रोक दिया जाए और इस पर स्टे लगा दिया जाए। इसके बाद ही केंद्र सरकार की ओर से ये प्रस्ताव रखा गया था किसानों के सामने। हालांकि किसान 2 साल तक या फिर समय के लिए कानून पे रोक लगाने की बात से सहमत है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि दोबारा अगर 2 साल की अवधि खत्म हो जाती है और उसके बाद किसानों को दिक्कत हुई तो फिर से इस तरह का प्रदर्शन और किसान और केंद्र सरकार की बातचीत फिर से होनी पड़ेगी। ऐसे में केंद्र सरकार को पूरी तरीके से एक ठोस आश्वासन देना होगा कि ये जो तीनों कानून इसको लागू नहीं किया जाएगा किसानों पे। फिलहाल बैठक जारी, आज क्या कुछ नतीजा निकलता है देखना होगा। लगातार 10 दौर की बातचीत में ये जो 10वीं दौर की बैठक कि उसमें कहीं ना कहीं एक निर्णायक नतीजे पर केंद्र सरकार पहुंची थी, जिसमें ये कहा आ रहा था कि एमएसपी को लेके इन सरकार किसानों की बात करने के लिए कमेटी का गठन करेगी, जिसमें किसान और केंद्र सरकार की ओर से लोग होंगे और साथ में 3 साल के लिए 2 साल के लिए जो कानून इसको निलंबित भी किया जाएगा। लेकिन किस इन दोनों मुद्दे नहीं माने, जैसे कि किसान नेता आपस में बैठक की, संगठन के तमाम नेता इस बैठक में मौजूद अलग अलग संगठनों से किसान के, तो अब आज की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से जो प्रस्ताव कहा जाता है कहा जाएगा केंद्र सरकार की ओर से ये देखना है। हालांकि किसान नेता है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि लगातार 26 जनवरी को जिस तरीके ट्रैक्टर रैली करने की बात की जा रही है, केंद्र सरकार इस मुद्दे से बातचीत करना चाहती है। पिछली बैठक में भी इस मुद्दे बातचीत करने की प्रयास किया गया, लेकिन जो मुद्दे हैं वो किसानों की तरफ से स्पष्ट है, साफ है, जो तीनों कानून है उनको निलंबित किया है। प्रीत, इसके अलावा 26 जनवरी पर जो ट्रैक्टर परेड का जो आयोजन किसान आह्वान कर चुके हैं उसको लेकर संशय बरकरार है। लगातार मांगे कर रहे हैं कि दिल्ली के जो अंदर है वो प्रदर्शन करना चाहते हैं रिंग रोड से सटी हुई पूरी जमीन पर, लेकिन पुलिस फिलहाल ये इजाजत नहीं दे रही है। कहां पर ये पहुंचता हुआ जो इनका आह्वान है और जो ऐलान है वो नजर आ रहा है अभी आपको? देखिए, लगातार किसानों और पुलिस के बीच 2-3 दौर की बातचीत हो चुकी है और पुलिस की तरफ से ये कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर 26 जनवरी जैसे विशेष दिन इस तरीके की रैली नहीं निकाली जा सकती है। किसानों की तरफ से हालांकि ये कहा जा रहा है कि किसी भी सुरक्षा के बीच इस तरीके की सेन नहीं लगाई जाएगी, सभी अस्त्रों को ध्यान में रखा जाएगा कि 26 जनवरी दिन है, किसी भी तरीके की हिंसा जैसी नहीं होगी, शांतिपूर्ण रैली निकाली जाएगी। इससे भी एक रैली ट्रैक्टर रैली जो है किसान निकाल चुके हैं 26 जनवरी पर। किसानों ने ये सारे कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। फिलहाल जिस तरीके से कोर्ट ने ये कहा कि कोई मसला नहीं है और दिल्ली पुलिस को जो है ये
से तय करना होगा कि क्या इनको इजाजत दी जाए किसानों को या फिर कई दौर की बात हो चुकी है। आगे दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ कहा जाता है जिसके लिए दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि 26 जनवरी के दिन इस तरह की निकालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब किसी की तरफ से क्या कुछ लिया जाएगा। जी चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।